हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल टैग द टेक में। अगर आप परेशान है कि आपके कंप्यूटर की विंडो स्लो हो चुकी है, अगर आप विंडो दोबारा करना चाहते हैं, अगर आपको नहीं पता कि विंडो डाउनलोड कहाँ से करनी है, तो आज आपका भाई ये टेंशन दूर करने वाला है। कैसे 3 स्टेप्स में हम विंडो डाउनलोड करेंगे, बूटेबल बनाएंगे और विंडो इंस्टॉल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विंडोज़ डाउनलोड कैसे करनी है। विंडो डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली आ जाएं अपने किसी भी ब्राउज़र पर। ब्राउज़र पर आने के बाद आपने सिंपली वहां पर सर्च करना है विंडोज़। विंडोज़ सर्च करने के बाद आपने पहले ही लिंक पर microsoft.com का जो लिंक है उस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपने स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर नीचे आ जाना है। जो ही आप देखेंगे कि यहाँ पर डाउनलोड नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो विंडो जो बूटेबल बनाता है या विंडो जो डाउनलोड करता है, ये उसका एक टूल है 18 MB का है तकरीबन, ये आपने डाउनलोड कर लेना है। सिंपली डाउनलोड पर क्लिक किया मैंने और डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली करना क्या है, उस फोल्डर में चले जाना है जहाँ पर ये डाउनलोड हुआ। वहाँ पर जाने के बाद आपने इसको रन कर देना है और सिंपली इसको इंस्टॉल कर देना है। जो ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस शो होगा, गेटिंग ए फ्यू थिंग्स रेडी। फ्यू थिंग्स ये रेडी कर रहा है, तो ये कुछ चीज़ें रेडी करने के बाद ये आपको यहाँ पर ऑप्शन दे देगा कि एक्सेप्ट का या डिक्लाइन का। तो आपने सिंपली ये अगर टर्म्स पढ़नी है तो पढ़ लें, तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। सिंपली आपने एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ी देर वेट करना है, ये फिर कुछ चीज़ें रेडी करेगा। और उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिखा देगा अपग्रेड दिस पीसी या क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। तो हाँ, अगर आपने अपने ही पीसी को अपग्रेड करना है तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। अगर नहीं विंडो डाउनलोड करनी है तो मीडिया डाउनलोड करने के लिए आपने नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये आपको कुछ ऑप्शन दिखाएगा, लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आर्किटेक्चर और इसके अलावा एडिशन। तो यहाँ पर रिकमेंडेड ऑप्शन सिलेक्ट होता है। अगर आपने यहाँ पर इसको अनसेलेक्ट करना है तो नीचे यहाँ पर आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। 32 बिट्स है और 64 बिट है, 64 बिट, जो भी आप यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है USB फाइल का या ISO फाइल का, मतलब USB फ्लैश ड्राइव अगर आपने लगा रखी है तो डायरेक्ट ही है उसमें उसको बूटेबल बना देगा, उसको इंस्टॉल कर देगा। अगर नहीं, अगर ISO फाइल आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सिंपली आपने ISO फाइल पर क्लिक करना है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ISO फाइल ही डाउनलोड करें, उसके बाद आप बूटेबल बना लें अपनी USB में, क्योंकि अगर आप USB फ्लैश ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे डायरेक्ट ही विंडोज़, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो सिंपली मैंने ISO फाइल पर क्लिक किया और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। तो इसके बाद ये आपको एलोकेशन मांगेगा कि कहाँ पर आपने रखनी है अपनी फाइल, तो सिंपली आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सेव कर लेना है और ये इसके बाद डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो है आपने USB को बूटेबल बनाना है। बूटेबल बनाने के लिए सिंपली आपने अपने ब्राउज़र पर आ जाना है, उसके बाद आपने सर्च करना है RUFUS रूफस। रूफस नामी एक सॉफ्टवेयर है, आपने इसको सिंपली यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। सिंपली बहुत ही आसान सा तरीका है, जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं इसको भी इंस्टॉल कर देना है। तो सिंपली जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपने सिंपली अपनी USB जो है फ्लैश ड्राइव लगा लेनी है, वो 8 GB या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। तो मेरे पास यहाँ 32 GB की लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शो भी हो रही है। इसके बाद आपने कोई सेटिंग भी नहीं छेड़नी, सिंपली यहाँ पर आपने सेलेक्ट में आ जाना है। सेलेक्ट में आपने अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ पर भी रखी थी विंडोज़ की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी विंडोज़ की फाइल पड़ी हुई है। इस तरह आप जो भी फाइल थी आपने जो भी यहाँ जहाँ रखी थी उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने फाइल जो है वो सेलेक्ट कर ली है विंडोज़ 10 की। और इसके बाद आपने सिंपली करना क्या है, किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना और यहाँ पर नीचे आ जाना है। तो आपने स्टार्ट पर क्लिक करके USB जो है वो बूटेबल बना लेनी है। इसके बाद हम देखने वाले हैं विंडो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, कि हमने आगे विंडो इंस्टॉल कैसे करनी है किसी भी PC में। तो USB बूटेबल बना लेने के बाद आपने सिंपली विंडो इंस्टॉल करने के लिए अपना जो PC है या लैपटॉप उसको रिस्टार्ट कर लेना है। रिस्टार्ट करने के बाद जो ये रिस्टार्ट हो आपने F12 की प्रेस करनी है कीबोर्ड से। अगर आपका जो PC है वो डेल का है तो F12, अगर HP का है तो F8, इसी तरह अगर कोई और है तो उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर। तो F12 प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अगर आप USB से करें तो USB सिलेक्ट कर लें, अगर CD है तो CD या DVD रोम सिलेक्ट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट कर दें। जो आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, प्रेस एनी की, कोई भी की आपने प्रेस कर देनी है और आपकी जो विंडो है वो स्टार्ट
हो जाएगी। और नेक्स्ट जब ये इस तरह का आपके पास डिस्प्ले होगा, आपने इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर इंग्लिश चूज़ करके नेक्स्ट कर देनी है या जो भी आपकी लैंग्वेज है, एंड देन यहाँ पर आपने आ जाना है की के, अगर की मांगे तो आपने यहाँ नीचे देखा आई डोंट हैव की, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से अपनी जो भी विंडोज़ है चूज़ करनी है वो चूज़ कर लें, यहाँ से 64 बिट है या 32 है या जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आपने एक्सेप्ट कर देना है इसको और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। एंड इसके बाद आपने अपनी पार्टीशन सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी पार्टीशन है उसको फॉर्मेट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। जो भी क्लिक करेंगे आपकी विंडो जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद सेवरल टाइम आपको जो पीसी है वो रिस्टार्ट होगा, विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर इस तरह का कुछ आपके पास लुक आएगा। तो यहाँ पर आपने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने कीबोर्ड लेआउट अगर कोई और रखना चाहते हैं किसी और लैंग्वेज का वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर आएगा सेकंड कीबोर्ड, मतलब कोई और अगर आप कीबोर्ड रखना चाहते हैं, कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, इसको सिंपली स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने अकाउंट ऐड करने के बजाय नीचे सेलेक्ट करना है ऑफलाइन अकाउंट। ऑफलाइन अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने यहाँ लिमिटेड एक्सपीरियंस इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर अपने पीसी का नेम दे देना है। इस जगह पर आके अपने पीसी का नेम देना है, एंड फिर इसके बाद ये आपको पासवर्ड चूज़ करने को कहेगा। यहाँ पर आप पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं, इस तरह आप नेक्स्ट करते जाएं और स्टेप कंप्लीट करते जाएं। यहाँ पर जब आप आएंगे तो एक्सेप्ट कर दें इसको। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं या एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, तो सिंपली एक्सेप्ट कर लें इसको भी। एंड नेक्स्ट आपका पीसी जब रिस्टार्ट होगा तो ये कहेगा कि थिंग्स जो है वो रेडी हो रही हैं। एंड इसके बाद कुछ टाइम लगेगा, इसके बाद विंडो जो है वो आपकी सिंपली इंस्टॉल हो जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।